तो दोस्तों जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि कैसे रिन्यू किया जाए FSSAI लाइसेंस। अगर आपका कोई FSSAI लाइसेंस है किसी भी तरीके का, चाहे वो बेसिक हो, स्टेट हो या सेंट्रल हो, उसको रिन्यूअल करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप रिन्यू नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगनी शुरू हो जाती है जिसके बारे में आपको नहीं पता होता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है FSSAI रिन्यूअल की तो हमने नीचे दिया हुआ नंबर दिए रखा है, आप उस पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो देखिए, फूड लाइसेंस जब भी हम अक्वायर करते हैं मैंडेटरी होता है कि हाँ जी फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए बिना फूड लाइसेंस के वो बिजनेस ना करे। मैंडेटरी लीगली अगर वो काम नहीं कर रहा है या उसको रिन्यू नहीं करा रहा है बिफोर एक्सपायरी डेट, अगर वो करा लेता है तो ठीक है, नहीं तो उसके ऊपर लीगल पेनल्टीज लगनी शुरू हो जाती है। अब बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं कि हाँ जी अगर आप बेनिफिट्स लेना चाहते हैं फूड लाइसेंस रिन्यूअल के तो वो क्या होते हैं। अगर आप रिन्यू करा लेते हैं फूड लाइसेंस तो आपको क्या बेनिफिट है। देखिए, कॉन्सेप्ट है कि आप इंप्रूव कर सकते हैं अपनी सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स, और आप वही फूड लाइसेंस नंबर अपने पास रख सकते हैं जो आपके पास है। ये आपके कस्टमर्स को एक कॉन्फिडेंस देता है कि आपका ब्रांड फूड लाइसेंस या फूड अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड है, और सबसे बड़ी चीज़ आपका बायर जो होता है वो जो खाना खा रहा है वो क्वालिटी का है। मोर ओवर, लाइसेंस एक तरीके की प्रमाणिकता है कि आपका बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है, और फूड लाइसेंस आपके पास स्टेट लेवल का, सेंट्रल या बेसिक लेवल का है। अब कब ज़रूरत होती है हमें फूड लाइसेंस अगर एक तरीके से रिन्यू कराना है, तो आइए बात करते हैं। देखिए, जब लाइसेंस दिया जाता है, फूड लाइसेंस जो दिया जाता है FSSAI रेगुलेशंस के हिसाब से, वो 1 से 5 साल की वैलिडिटी के लिए होता है। डेट जब भी इशू होती है उससे तो डिटरमाइन करना चाहिए कि हाँ जी अगर आप फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं, आपको डेट ऑफ इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन पता है, डायरेक्टेड हैं कि हाँ जी आपका जितने टाइम के लिए वैलिड है वो लाइसेंस, उसके बाद तुरंत उसे रिन्यू करा लें या लीगल एक्सपायरी डेट से पहले करा लें तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लगनी शुरू हो जाती है, और पेनल्टी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन जो रिन्यूअल की होती है वो एक तरीके से सबमिट करी जाती है 30 डेज के अंदर अंदर, मिनिमम 30 डेज के अंदर अंदर एक्सपायरी से पहले। अगर आपकी रिन्यूअल एप्लीकेशन फाइल होती है एक्सीडिंग जब पीरियड एक्सपायरी हो जाती है, तो उसके बाद देखिए आपको फॉलोड आपको हर दिन 100 रुपये का एक चार्ज लग रहा है ईच डे जब तक कि आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं होता। तो आप एक्सपायरी से पहले पहले ये काम कर लें, अदरवाइज आपके ऊपर एक तरीके से फीस लगनी शुरू हो जाएगी, आपको एक पेनल्टी भरनी पड़ रही है जो आपके मतलब की नहीं है, जो आपको एक तरीके से ज़बरदस्ती भरनी पड़ेगी क्योंकि आपने रिन्यू नहीं कराया आपने लाइसेंस। अब फूड बिजनेस ऑपरेटर जो ना फेल कर जाते हैं कि हाँ जी रिन्यूअल नहीं कराते एक्सपायरेशन पीरियड से पहले, और कंटिन्यू करते रहते हैं अपने बिजनेस को, जो कि एक वैलिड और एक लीगल तरीका नहीं है। और आपको अगर एक्सपायरी 30 दिन से ऊपर हो गई है तो ऑब्वियसली बात है 100 रुपये पर डे के हिसाब से फाइन लग रहा है, ये चीज़ ज़रूर देखने वाली है। अब आप रिन्यू कैसे कराएंगे वो तो खैर बात की बात है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हाँ जी फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन क्या है। देखिए, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ कि हाँ जी आप किन किन क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान रखें, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ है, वो बात कर लेते हैं। देखिए, फ़ीस क्या होती है एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन की, अगर आप मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसकी क्या फ़ीस होती है। देखिए, अगर आप कोई भी चेंजेस करा रहे हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन में, नाम गलत हो गया, एड्रेस गलत हो गया या कुछ भी हो गया, फॉर्म सी भरा जाता है, ठीक है, और मॉडिफिकेशन की कोई सरकारी फ़ीस नहीं होती, बट जो बंदा भरेगा वो अपनी चार्जेस फ़ीस ज़रूर लेगा। रिन्यूअल करने का क्या प्रोसेस है, देखिए FSSAI लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी रिन्यूड अप्लाइड विद इन 30 डेज ऑफ द एक्सपायरी। आपको 30 डेज के अंदर अंदर एक्सपायरी को ख़त्म करना है, अगर तो ऐसा नहीं करेंगे तो आपके ऊपर लाइबिलिटी है। लाइसेंस जो रिक्वायर करता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रीमिसेस के लिए अलग होता है। ऑब्वियसली बात है, बड़ा होगा तो ऑब्वियसली सेंट्रल स्टेट की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज बेसिक से काम चल जाता है। फूड बिजनेस ऑपरेटरों को विच फूड बिजनेस एलिजिबल है क्या वो फूड रजिस्ट्रेशन लें। देखिए, फूड रजिस्ट्रेशन किसी भी बिजनेस में, जो कि स्मॉल फूड बिजनेस भी आता है ना, उसको भी चाहिए। अगर आपका टर्नओवर 12 लाख का है तो भी, और 12 लाख से नीचे है तो भी। तो ये मत सोचिए कि हाँ जी आपको ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ सकती, बिल्कुल आपको ज़रूरत है, ये बात ध्यान में रखिए। फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर को क्या ज़रूरत होती है फूड लाइसेंस की, अगर वो सेल कर रहे हैं हेल्थ लाइसेंस, हेल्थ सप्लीमेंट्स और न्यूट्रोसिटिकल प्रोडक्ट। देखिए, जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं, चाहे वो फार्मेसीज हो, मेडिकल स्टोर हो, जो कि सेल कर रहा है हेल्थ सप्लीमेंट्स और न्यूट्रोसिटिकल्स, उनको भी फूड लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, फूड लाइसेंस जो रिक्वायरमेंट्स हैं रन करने के लिए, क्या मोर देन वन स्टेट में नेम अगर ज़रूरत है तो कौन से फूड लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरीके से पड़ेगी। देखिए, आप अगर 2 से ज़्यादा स्टेट्स में काम कर रहे हैं तो आपको एडिशनल सेंट्रल लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जो कि आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस और हेड ऑफिस के लिए ज़रूरी होता है। सेपरेट लाइसेंस आपको लेना पड़ता है और प्रीमिसेस दिखाना पड़ता है, आपको अपनी टर्नओवर की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती है, सारी चीज़ें ध्यान में रखें।
क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट चाहिए, कोड चाहिए यूज टू फाइल अगर आपकी टू स्टेट एप्लीकेशन है इंपोर्टर लाइसेंस। देखिए इंपोर्ट अगर आप कर रहे हैं फूड बिजनेस ऑपरेटर के तहत और फाइल कर सकते हैं आप वन और मोर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, तो आपको इंपोर्टर को कैन नॉट सबमिट अनदर एप्लीकेशन विद द आईसी कोड। आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को ध्यान से देख के पढ़ के भी आप समझ सकते हैं। कौन इशू करता है फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रेलवेज प्रमिसेस और एयरपोर्ट पे अगर आप सेल कर रहे हैं। देखिए फूड बिजनेस प्रमिसेस अगर आपकी है रेलवेज पे, ठीक है, एयरपोर्ट्स पे, अथॉरिटीज पे, तो देखिए फूड एफएसएसएआई नोटिफाइड डेजिग्नेटेड ऑफिसर होते और फूड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं रेलवेज के, और वो एक तरीके से एयरपोर्ट सी पोर्ट्स पे भी होते हैं और वहाँ पे भी ये एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर वगैरह के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके थ्रू भी आपका काम हो सकता है। बट ये ध्यान में रखें कि फूड लाइसेंस लेते हुए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखें अगर आप वहाँ डील कर रहे हैं। आप एक्सपोर्ट अगर करते हैं तो क्या आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए फूड लाइसेंस में? देखिए अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट इंडिया से तो रिक्वायरमेंट नहीं है एनओसी की, बट फूड लाइसेंस होना बहुत जरूरी है और फूड लाइसेंस बिल्कुल पुख्ता होना बहुत जरूरी है। फूड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि हाँ जी फूड लाइसेंस बिल्कुल क्लियर है और ऑब्जेक्टिव है, कहीं ऐसा नहीं है कि हाँ जी आपने कोई फेक फूड लाइसेंस बनवा लिया किसी से या कोई ऐसी चीज़ है। देखिए आप ऐसी एक्टिविटीज़ में बिल्कुल मत पड़ना, आपको बिल्कुल लीगली वैलिड फूड लाइसेंस चाहिए। किसी भी बिजनेस में अगर आप फूड के में काम कर रहे हैं तो आपको लीगल वैलिड फूड लाइसेंस चाहिए, और कई जगह ऐसे धंधे होते हैं कि हाँ जी वो फेक लाइसेंस बना के दे देते हैं जो कि गलत चीज़ है। आपको FSSAI की कंप्लायंसेस पूरी करनी है। FSSAI एक ऐसी बॉडी है जो कि फूड लाइसेंस के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर है, गवर्नमेंट की बॉडी है। गवर्नमेंट की बॉडी होने के बावजूद ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है। अंडर विच सर्कमस्टांसिस डेजिग्नेटेड ऑफिसर सस्पेंड कर सकता है या कैंसिल कर सकता है फूड लाइसेंस या फूड रजिस्ट्रेशन? देखिए कोई भी सस्पेंड हो सकता है आसानी से अगर वो कंप्लाई नहीं कर रहा रेगुलेशंस को या किसी चीज़ को। क्या फूड बिजनेस ऑपरेटर फाइल कर सकता है अपील को, इम्प्रूवमेंट नोटिस को? हाँ जी बिल्कुल, फूड बिजनेस लाइसेंस अपील कर सकता है कि हाँ जी हमारे प्रोडक्ट थोड़ा इम्प्रूव क्वालिटी का था, कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई। फूड बिजनेस ऑफिसर बता सकता है नोटिस मिलने के बाद कि हाँ जी आप एक बार अपील कर लीजिए, देख लीजिए हमारा यूनियन टेरिटरीज़ के हिसाब से थोड़ा सा हमसे कोई चीज़ भूल चुक हो गई हो तो उसे माफ़ कर दीजिए, इनको सारी चीज़ों को कर दीजिए। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है फूड बिजनेस ऑपरेटर के तहत, अगर आपका कोई भी दिक्कत है, रिन्यू करना चाहते हैं फूड लाइसेंस को, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे बातचीत कर सकते हैं। आपके लिए ही नंबर दिया है, आपको ही नंबर निकाला है कि हाँ जी आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है फूड लाइसेंस को लेके, चाहे रिन्यूअल है, चाहे मॉडिफिकेशन है, चाहे सस्पेंड कराना फूड लाइसेंस, चाहे आपको किसी तरीके से एक्सपोर्ट के लिए चाहिए, इम्पोर्ट के लिए चाहिए, न्यूट्रोसिटिकल के लिए चाहिए फूड लाइसेंस, फूड लाइसेंस से रिलेटेड कोई भी आपकी त्रुटि हो गई है, आपको रिन्यूअल कराना है सेंट्रल स्टेट बेसिक, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज को, या किसी भी तरीके की कोई क्वेरी फूड लाइसेंस से रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर छोड़ के जाएं। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।